राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाख जय राधे श्याम ललिता विशाख जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की नामाचार्य शिला ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय श्री मथा धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की जय श्री गंगा माई यमुना माई की जय श्री भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय युग धाम हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय शिला प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय ऑल गुरुष्टो सेम्बल डिवोट ऑल गुरुष्टो सेम्बल ऑल गुरुष्टो सेम्बल डिवोट ऑल गुरुष्टो गुरु एंड गौरांग की जय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपां सागरजातां सैगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललित तासी विशाखानविताक्ष नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरो भिक्ष कृपा सिंधु भेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपात् अधम वंदे परमानंद माधवं श्री गुरुदीन तारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवजन वैष्णवीस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम दंडवत प्रणाम। तो सायंकालीन कक्षा श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप में वृंदावन श्री कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके इस बदजीव के ऊपर कृपा करें कि हम भगवान के इस जो है परम वचन जो है भगवान के जो परम भगवान का वाणी है उसको समझने का प्रयास कर सकें। तो श्लोक जो है अध्याय चल रहा है हमारा 16वां। अध्याय का नाम चल रहा है देवी तथा आसुरी स्वभाव। और आज हम जिस श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो श्लोक है श्लोक संख्या 22 अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव और श्लोक संख्या 22। तो आप मेरे पीछे बोलिए एतेर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरा आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गते। एतेर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरा आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गते। एतेर्विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरा आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गते। बोलिए आत्मना परित्रया आचार्य।
एते इनसे विमुक्ता मुक्त होकर कौन्तेय हे कुंती पुत्र तमा द्वारे अज्ञान के द्वारों से त्रिभी तीन प्रकार के नरा व्यक्ति आचरति करता है आत्मनः अपने लिए श्रेय मंगल कल्याण तथा तत्पश्चात याति जाता है पराम परम गतिम गंतव्य को। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। मेरे पीछे बोलिए, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्म फल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार चार आश्रमों तथा चार वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो ये श्लोक है, इस श्लोक में आप देखिए सबसे पहले बताया गया है एतेर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर नरा। एतेर मतलब एते मतलब इनसे, तो इनसे मतलब किन से? इनसे मतलब, इसके लिए आपको पिछले श्लोक को देखना पड़ेगा। तो पिछला श्लोक जो है 21 और 22 एकदम इंटरकनेक्टेड हैं। तो इनसे मतलब पिछले श्लोक पे जब हम जाएंगे तो वहां पर श्री भगवान कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम
क्रोध तथा लोभ प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन होता है किससे? काम, क्रोध और लोभ। तो आज का श्लोक कहते हैं इनसे विमुक्त होकर, काम, क्रोध और लोभ से विमुक्त होकर के तमो द्वारे त्रिभिर नरा। तो व्यक्ति जो है अज्ञान के द्वारों से, अज्ञान के द्वार, ये तम मतलब अंधकार, अज्ञान के द्वारों से व्यक्ति जो है आचरण करता है, क्या आचरण करता है? आत्मना अपने लिए श्रेयस ततो मंगल, और अपने लिए मंगलकारी कार्य करता है और परम गति को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब वो इन तीन द्वारों से बच जाता है। तीन द्वारों से बचने की बात कही गई है, एस्केप फ्रॉम थ्री गेट्स, बचना है। गेट तो रहेंगे लेकिन गेट में हमको जाना नहीं है, उससे बचना। तो गेट है, जैसे गेट होते हैं ना, जैसे इंडिया गेट, दिल्ली में दिल्ली गेट, पहले अलग अलग गेट बनते थे, शत्रुओं का आगमन ना हो तो अनेक प्रकार के गेट बनते थे। ये दिल्ली गेट है, ये अजमेरी गेट है, ये कश्मीरी गेट है, ये लाहौरी गेट है, ऐसे अनेक गेट बना करते थे। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर कौन से गेट की बात कर रहे हैं? काम, क्रोध और लोभ, ये भी तीन गेट हैं, और ये जो हैं महान शत्रु हैं, महान शत्रु। तो ये काम जो है, ये काम जो है, इसी से सारे और शत्रुओं का जन्म होता है। तो काम को पहले, तो काम है क्या, इसका वास्तविक स्वरूप भी हमको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में काम क्या है। भगवान इसको जो है क्यों महान शत्रु बता रहे हैं? हालांकि आप देखेंगे भगवान जो है सातवें अध्याय के ग्यारहवें अध्याय में क्या कहते हैं, अहम कामोऽस्मि धर्म अवृद्धो सर्वभूतेषु, अहम कामोऽस्मि, जो जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं काम हूँ, वो काम मैं हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो जब भगवान स्वयं काम है, अपने को काम स्वरूप बता रहे हैं, तो फिर भगवान उसी काम को जो है महान शत्रु भी बता रहे हैं, महान शत्रु बता रहे हैं भगवान उसको। तो इसको समझना होगा कि वास्तव में काम जो है इसको कैसे समझा जाए, और काम वास्तव में इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, इसका निवास स्थान तो भगवान बताए, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी? उत्पत्ति तो इसकी भगवान से ही हुई, भगवान ने ही इसकी उत्पत्ति की है। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि जन्मादियस्य यतो अन्वयाद इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, जो वेदांत का सूत्र है, जो भागवतम का पहला मंगल चरण है, के सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान से प्रकट होती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है, काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। और काम जो है वो हमारा महान शत्रु है।
अर्जुन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं भगवान से, अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरिता पुरुषः अनिच्छन अपि वाष्णेह बलादीव नियोजिता। हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक इसमें लगाया जा रहा है। कहीं भगवान आप ही तो नहीं लगा रहे व्यक्ति को, आप ही तो पाप कर्मों में नहीं लगा रहे, क्योंकि पाप की, जिसकी काम की उत्पत्ति तो आपसे हुई है। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं लगा रहा। कौन लगा रहा है? कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा वेधय इनम वेरिणम। ये रजोगुण से उत्पत्ति होती है इसकी, काम ऐसा, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो काम वास्तव में प्रेम का विकृत रूप है। जीव जो है वो भगवान का प्रेम जो है हर जीव के अंदर विद्यमान है, और जो भगवान का प्रेम जीव के अंदर विद्यमान है, और जब जीव इस पृथ्वी पर, इस भूमि, इस भौतिक जगत पर आता है, इस भौतिक जगत में जब वो आता है, तो उसका जो प्रेम है, जो वास्तविक प्रेम है, वो विकृत होकर के वो काम में परिवर्तित हो जाता। इसको समझ लेना चाहिए बात को। प्रेम ही काम में परिवर्तित हो जाता है, इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा दोष ये है कि हमने इस जगत में आना स्वीकार किया, हमने भगवान से विलग होकर के भोग भोगने की इच्छा प्रकट की, ये हमारा दोष है। और जब इस जगत में हम आ जाते हैं तो हमारा प्रेम जो है वो काम में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा तो भोग कैसे होगा? हम भोग भोगने की इच्छा से आए ना, इसमें भगवान भी करें तो करें क्या? हमारा भोग भोगने की इच्छा जब हम इस जगत में आते हैं तो फिर भगवान एक जो है यहाँ पर एक तरीके से उसका संचालन करते हैं इस सृष्टि का, कि इनका प्रेम जो है वो काम में परिणित हो जाए। जब तक काम में परिणित नहीं होगा हम भोग कर नहीं पाएंगे, और हम आए किस लिए हैं? भोग करने के लिए। वी वॉन्ट टू एंजॉय विदाउट कृष्णा, दैट्स वाई वी आर हियर। हम भगवान से अलग होकर के भोग करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं अपने प्रेम को ही बदल देता हूँ, काम में बदल देते हैं। फिर भगवान को छोड़ करके हमारी आसक्ति किससे हो जाती है? संसार से आसक्ति हो जाती है, संसार के विभिन्न प्रकार के संबंधों से हमारी आसक्ति हो जाती है, रिश्तों से हमारी आसक्ति हो जाती है, पदार्थों से हमारी आसक्ति हो जाती है, कृष्ण के अतिरिक्त सब चीज़ें हमको आकर्षित करती हैं। कृष्ण आकर्षित नहीं करते, क्योंकि वो प्रेम काम रूपी उसका परिवर्तन हो गया, काम में परिवर्तित हो गया। तो काम जो है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये महान शत्रु है। क्यों? क्योंकि यही जो है आपको और हमारे को अलग कर दिया है ना, अलग कर दिया है। जहां काम है वहां राम नहीं, जहां राम है वहां काम नहीं। तो इसीलिए ये काम ही भगवान कहते हैं हमारा शत्रु है। तो इस बात को अच्छे से समझ जाना है कि जैसे दूध इमली के संसर्ग में आने से दही बन जाता है, दूध में अगर खट्टा पदार्थ मिला दिया जाए, इमली मिला दी जाए, तो वो दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। इसी प्रकार
जब जीवात्मा इस जगत में आता है, इस भौतिक जगत में आता है, तो इस भौतिक जगत का जो संसर्ग है, ये जो त्रिगुण है, ये त्रिगुणी, ये इसके संपर्क में आने से हमारा भगवत प्रेम जो है वो काम में परिवर्तित हो जाता। क्योंकि बिना काम के हम भोग भोग नहीं सकते, बिना काम के सृष्टि का चलना भी संभव नहीं है। अगर काम हमारा शत्रु है तो काम इस जगत की आवश्यकता भी है, लेकिन काम काम में भी भेद है। भगवान कहते हैं जो धर्म विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूं। अब धर्म विरुद्ध काम क्या होता है और जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है वो क्या होता है, उसको भी फिर समझना पड़ेगा। तो मतलब जो भी है, इस पूरे ब्रह्मांड में काम व्याप्त है, केवल धरती पर नहीं, पूरा सत्यलोक तक, पाताल लोक से लेकर सत्यलोक तक पूरे में काम व्याप्त है। सब जगह सब इस काम के बंधन में हैं, सब काम के बंधन में हैं। तो अब भगवान समझाते हैं इस आज के श्लोक में क्या कहते हैं कि इस काम से जब तक तुम विमुक्त नहीं होंगे, ये जो नरक के द्वार हैं ये नरक में ले जाएंगे आपको। नरक मतलब क्या है? नरक लोक तो है ही है, लेकिन माँ के गर्भ में आना भी, ये भी नरक है। जब तक हम काम में आसक्त रहेंगे, जब तक काम के हम वशीभूत रहेंगे, तब तक हम इस जगत से बाहर नहीं जा सकते, वापस नहीं जा सकते। अब फंस गए ना। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक कैदी को कैद कर लिया जाता है सलाखों के पीछे, कैदी सलाखों के पीछे कैद रहता है, लेकिन इस जगत में जो जीव आता है वो काम रूपी हथकड़ियों से बंध जाता है। काम रूपी हथकड़ियां उसको बांध लेती हैं, वो छोड़ना नहीं चाहता इस काम रूपी हथकड़ियों को। सुबह से रात तक बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में, दो दो तीन तीन घंटे लोग दौड़ते हैं, रेलों में यात्रा करते हैं, तीन घंटे जाने में लगेंगे, ऑफिस पहुंचने में तीन घंटे, वापस आने में लगेंगे, लेकिन रात्रि को उनको घर अवश्य पहुंचना है। क्यों? काम की आसक्ति, काम की आसक्ति है। तो ये काम जो है व्यक्ति को बांध देता है। ये काम एक रोग है, लेकिन इस संसार में व्यक्ति को पता नहीं कि मैं रोगी हूं। ये काम रोग जो है हर किसी को परेशान करता है, और ये ऐसी अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। हर कोई परेशान है, लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं आपस में कर पाते, लज्जावश चर्चा नहीं करते, लेकिन काम के वशीभूत है। और काम एक बड़ा भारी हमारा शत्रु है, और हम सभी रोगी हैं। तो इस रोग से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? सबसे पहले तो जब हमको ये पता लग जाए कि हाँ मैं रोगी हूं। संसार के लोग इसको सबसे बड़ा सुख मानते हैं, कहते हैं इससे बड़ा कोई सुख नहीं, काम सुख से बड़ा संसार में कोई सुख ही नहीं है। अगर काम नहीं है संसार में तो फिर क्या है? फिर जीना भी तो क्या जीना, फिर क्या जीना? ऐसे जीने को धिक्कार है जहां काम सुख नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं ये काम तुम्हारा जो है नित्य वैरिणम, ये तुम्हारा नित्य वैरी है, ये नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार मतलब आपको इस जगत से छुटकारा नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति
जीवन भर काम के प्रति आसक्त रहता है, और काम एक ऐसा है ना, आपका शरीर शिथिल हो जाए, आपकी आयु चाहे 100 बरस की हो जाए, काम जो है उसमें बुढ़ापा नहीं आता, मन में बुढ़ापा नहीं आता, मन में बुढ़ापा नहीं आता। एक बार बादशाह अकबर, शायद अकबर थे, तो ऐसे उनकी वार्तालाप हो रही थी बीरबल से, तो बीरबल ने कहा कि मृत्यु पर्यंत व्यक्ति जो है काम के प्रति आसक्त रहता है। तो बादशाह को यह बात समझ में नहीं आई, बोले ये कैसे हो सकता है, कोई मृत्यु की शैया पे लेटा हुआ है वो काम के प्रति आसक्त कैसे हो सकता है। बीरबल, तुम कभी कभी बहुत फालतू की बात करते हो, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता, तुम सिद्ध करके बताओ इसको। बीरबल ने कहा अच्छा बताऊंगा, समय आने दो। तो एक व्यक्ति जो है एक समय मृत्यु की शैया पे था, तो बीरबल को अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा बादशाह को, बादशाह जरा चलना है, एक व्यक्ति से मिलना है, वो भी प्राण त्यागने वाला, लेकिन आप अपनी जो आपकी पुत्री है, बेटी है, राजकुमारी, उसको साथ लेके चलना। बोले क्यों? हाँ उसको बोले लेके चलना। तो बहुत सुंदर थी वो, तो वो गए वहाँ जाकर के, वो बिल्कुल प्राण त्यागने को था, तो उसकी बेटी भी खड़ी थी और बादशाह भी खड़े थे। बादशाह उसे पूछा था भाई क्या हालत है तुम्हारी, तो जब उसने देखा उसकी बेटी साथ में है, तो उसकी निगाह उसकी बेटी पे अटक गई, बेटी पे अटक गई। बादशाह उधर खड़ा है, ये बेटी इधर खड़ी है, बात बादशाह कर रहा है, लेकिन वो देख किसको रहा है, बेटी को देख रहा है। तो बीरबल कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है बादशाह, बात आप कर रहे हैं लेकिन वो देख किसको रहा है, आपकी बेटी को देख रहा है। ये आ सकती है, ये काम आ सकती है, ये छोड़ती नहीं है पीछा, ये पीछा नहीं छोड़ती। एक बार व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, वो अपने शिष्य को समझा रहे थे, जैमिनी ऋषि उनके शिष्य थे, तो शास्त्रों में उल्लेख आया है कि किसी भी समय किसी पुरुष को स्त्री के साथ जो पर स्त्री है, चाहे वो उसकी माँ क्यों ना हो, चाहे उसकी बेटी क्यों ना हो, उसको एकांत में वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है। तो ऋषि जैमिनी ऋषि ने कहा कि भाई ये तो कुछ शास्त्रों में कुछ अतिशयोक्ति है, कुछ ज़्यादा ही बताया गया, ऐसा हम लोग इतने तपस्वी हैं, इतने योगी हैं, ये बात हमारे ऊपर तो लागू नहीं हो सकती, हम तो इन सब बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो व्यासदेव तो अंतर्यामी, उनको अपने शिष्य की बात का आभास हो गया कि मेरे शिष्य में कहीं ना कहीं अहंकार उत्पन्न हो चुका है। तो एक बार जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में थे, रात्रि का समय था, बहुत तेज वर्षा हो रही थी, आंधी हो रही थी, बहुत तेज बौछार हो रही थी, तो इतने में एक नव युवती जो वर्षा के कारण भीग चुकी थी, जिसके वस्त्र पूर्ण रूप से भीग चुके थे, वो उस वन में, जिस वन में जैमिनी ऋषि की कुटिया थी, वहाँ जाकर के उसने रात्रि को जैमिनी ऋषि की कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। जैमिनी ऋषि हाथ में लालटेन लिए हुए, उन्होंने देखा कि एक नवयुवती स्त्री उसके सामने खड़ी है और पूर्ण रूप से पानी में भीगी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि
आप कौन हैं, कहाँ से आई हो, इस समय रात्रि को यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? कहा मुनिवर, मैं रात्रि में रास्ता भटक गई हूँ और अभी वर्षा होने के कारण मुझको मार्ग नहीं मिल रहा है, कृपा करके मुझको अपनी कुटिया में रहने का स्थान प्रदान करें। मुनिवर ने कहा, यह संभव नहीं, मैं एक ऋषि हूँ, मैं एक मुनि हूँ, मैं कैसे यहाँ पर आपको स्थान दे सकता हूँ? तो कहती, मैं कहाँ जाऊँगी? तो उनको फिर उस पर दया आई, उसने कहा ठीक है, तुम इस कुटिया के अंदर रह जाओ और मैं कुटिया से बाहर रहूँगा, लेकिन सावधान, रात्रि में कोई भी आए और दरवाज़ा खटखटाए, किसी भी कीमत पे आप दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना, ये मेरा आदेश है। उस स्त्री ने कहा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। तो ऐसे करके वो स्त्री उनके आश्रम में रह गई और जैमिनी ऋषि जो है बाहर उन्होंने अपना स्थान बना लिया। और वहाँ अब रात्रि को मुनि जो है वो करवट बदलने लगे, नींद आ नहीं रही, सामने स्त्री और लालटेन दिखाई दे रहा, बहुत प्रयास किया कि सो जाऊं, लेकिन नींद है कि आने का नाम नहीं ले रही। अंततः काम जो है पूर्ण रूप से उनके ऊपर वशीभूत हो गया, पूर्ण रूप से वशीभूत हो गया और वो चल करके जो है अपनी कुटिया के आश्रम के दरवाजे पर गए और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ ऋषि, जैमिनी ऋषि, जिन्होंने आपको यहाँ आश्रय दिया है, आप दरवाज़ा खोलिए। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो। नहीं, आपने ही कहा था दरवाज़ा मत खोलना, पर मैंने कहा था, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोलिए। बोले, मैं नहीं खोल सकती, आपको खोलना पड़ेगा, नहीं खोल सकती। तो काम जो है क्रोध में परिवर्तित होने लगा, जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध में परिवर्तन होता है। तो उन्होंने क्या किया, उस अपनी कुटिया के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर जो छप्पर लगा हुआ था, छप्पर में से वो नीचे कूदे। तो जैसे ही देखा उस स्त्री ने, उसने दरवाज़ा झट से खोला और बाहर की तरफ भागी। अब आगे आगे वो स्त्री जा रही है, पीछे पीछे जैमिनी ऋषि भाग रहे हैं। अंततः जैमिनी ऋषि ने उसको पकड़ लिया कि कहाँ जा रही हो। उस स्त्री ने उसकी तरफ देखा और अपने वास्तविक रूप में व्यासदेव के रूप में वो प्रकट हो गए। वो स्त्री जो है वास्तविक व्यासदेव के रूप में प्रकट हो गई। जैमिनी ऋषि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। तो गुरु जो है उन्होंने अपने शिष्य के अहंकार को बिल्कुल नष्ट कर दिया। बोले, देखा, ये काम जो है ये ऐसा महान शत्रु है, ये किसी के भी विवेक को हर लेता है, सारा बुद्धि मन। तो इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, ये काम जो है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में व्याप्त रहता। तो अब इसको समझने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ भगवान बताते हैं कि काम की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। भगवद गीता के ये तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, धूमे न व्रियते बहनिर आदर्शो मले न च यथोल बेना वृतो गर्भस तथा तेने दम आवृतम। तो काम की अवस्था कैसे कैसे होती है, जिस प्रकार अग्नि जो है धुएं से ढका रहता है, कई बार धुआं दिखता है लेकिन अग्नि नहीं दिखाई देती, अग्नि जो है धुएं से ढकी रहती है।
ये काम की प्रारंभिक अवस्था है। और दूसरी अवस्था क्या है, दर्पण से धूल, दर्पण पे धूल जब ढकी रहती है। और तीसरी अवस्था है जैसे भ्रूण जो है, एक जीव जो है जब गर्भ में होता है तो गर्भाशय में वो जकड़ा रहता है। जो तीन अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाओं में, तो ये काम की अलग अलग स्टेजेस हैं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से काम जो है इसको कैसे हमको वशीभूत करता है। तो अब करना क्या है, अब यहाँ पर भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, एतेर विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर नरा आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। अब दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं आचरति आत्मना, यानी जब वो श्रेयस कार्य करता है, श्रेयस कार्य, दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक होता है प्रेयस और एक होता है श्रेयस। तो प्रेयस और श्रेयस में क्या अंतर होता है, प्रेयस वो होता है जो हमको प्रिय लगता है और श्रेयस वो होता है जो हमारे लिए प्रिय होता है। तो पूरा संसार कौन से कार्यों के पीछे भागता है, प्रेयस, जो उसको प्रिय लगता है। श्रेयस वो होता है जो उसके लिए मंगलकारी है। प्रेयस जो है शरीर को सुख प्रदान करने के लिए या उसको भोग करने के लिए हम प्रेयस कार्य करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो उसको मधुमेह है, डायबिटिक है, वो शुगर है, तो शुगर वाले पेशेंट को रसगुल्ला उसके लिए क्या है, प्रेयस, वो रसगुल्ला खाना चाहता है, चाहे उसको मालूम है कि ये इससे मेरा रोग बढ़ेगा, लेकिन वो उसको प्रिय लगता है, प्रेयस लगता है। लेकिन उसके लिए श्रेयस क्या है, करेला। करेला जो है उसके लिए श्रेयस है, लेकिन करेला उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन है उसके लिए अच्छा। उसके लिए अच्छा है करेला खाना, लेकिन वो क्या खाना चाहता है, रसगुल्ला। तो रसगुल्ले खाने से उसका रोग बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से इस जगत में हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रेयस कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे पतंगा होता है, पतंगा वो किसकी तरफ आकर्षित होता है, अग्नि की तरफ आकर्षित होता, तो वो आकर्षण जो है वो उसका काल होता है, वही नरक का द्वार उसका बन जाता है। तो ऐसे और कौन कौन से उदाहरण हैं, हिरण होता, हिरण, हिरण की जो कर्णेंद्रिय है, जो उसको, हिरण को जो है संगीत बहुत मधुर लगता है, संगीत के पीछे वो पूर्ण रूप से आकर्षित रहता है। तो शिकारी क्या करता है, जब हिरण को पकड़ना होता है तो वो वन में संगीत चला देता है और संगीत के पीछे पीछे वो शिकारी उसको पकड़ लेता। इसी प्रकार से हथनी जो है, हाथी, वो स्पर्श चाहता है। ये जो त्वचा है ना, इसमें बहुत काम वासना होता है। त्वचा को जब कोई स्पर्श करता है तो तुरंत काम उत्तेजित हो जाता एकदम से,
और विशेष रूप से अगर अपोजिट सेक्स एक दूसरे का स्पर्श करते हैं तो कामवासना जो है वो आ जाती है। तो हाथी और हथनी एक दूसरे का स्पर्श करना चाहते हैं, तो हाथी को पकड़ना इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए उसको पकड़ने वाले क्या करते हैं, बीच में एक खड्डा घाई खोद देते हैं और उसके ऊपर घास डाल देते हैं ताकि हाथी को पता लगे कि इसमें खाई है, और सामने हथनी को खड़ा कर देते हैं। हाथी हथनी को स्पर्श करना चाहता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो इस प्रकार से वो गड्ढा जो है उसके लिए नरक का द्वार होता है। और कौन है, मछली। मछली उसकी जो जीवा इंद्रिय है वो काबू में नहीं आती, उसके काबू में नहीं आती वो, तो इसीलिए क्या करते हैं मछली पकड़ने वाले, कांटा डालते हैं उसमें, डालते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो अपनी एक इंद्रिय जीवा इंद्रिय के कारण जो है वो कालग्रास बन जाती है। और भंवरा, भंवरा जो है पुष्प को प्रति आकर्षित, उसकी जो सुगंध, उसका जो नासिका है वो उसको चाहता है, और कब वो पुष्प बंद हो जाता है, वो अंदर ही दबके रह जाता है। तो इस प्रकार से ये इंद्रियां ये काल का ग्रास बन जाती हैं, ये काल का ग्रास बन जाती हैं। तो अब कहने का अर्थ है, अब यहां पर कह रहे हैं आचरति आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। तो श्रेयस कार्यों में जब तक हम नहीं लगेंगे तब तक हम वापस नहीं जा सकते, पराम गतिम यानी वापस भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक जैसे इस धरा पर या इस भौतिक जगत में हम आए हैं तो हमारा कृष्ण रूपी प्रेम माया के संसर्ग में आने से परिवर्तित हो गया काम में, तो अब हमको इसका रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्या करना पड़ेगा, अब काम को प्रेम में परिवर्तित करना पड़ेगा, ये कला सीखनी पड़ेगी। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, लेकिन कृष्ण प्रेम जो काम में परिवर्तित हो गया है, काम जो है कृष्ण में परिवर्तित हो सकता है यदि हम प्रयास करेंगे तो। तो काम और प्रेम में अंतर क्या है, तो कृष्ण चंद्र कविदास गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, आत्म इंद्रिया इच्छा धरे ताहे कहे काम। कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम, कृष्ण की इंद्रियों को जब हम संतुष्ट करते हैं तो फिर वो प्रेम है, और जब हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं तो वो काम है। तो अभी तक हम क्या करते रहे, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते रहे, तो ये जो हथकड़ी है, ये काम रूपी जो हथकड़ी है ये हमको बांधे हुए है। तो अब हमको क्या करना है, अब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, तो फिर क्या होगा, ये हमारी हथकड़ी जो है वो ये विमुक्त हो जाएंगे। तो आज का जो श्लोक है, एतर विमुक्त कौनते है, तो विमुक्त कैसे होगा, विमुक्त होने का मार्ग यही है कि अब हमको कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। तो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करना होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो ये जो कला है भगवान के भगवद गीता को सुनना, श्रवणम भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, स्मरण करना,
अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है इसमें लगना, ये है कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा तारे वाली काम। तो जब जीव को ये समझ में आ जाता है कि ये संसार में हम जितना भी भोग भोगना चाहेंगे, जितना भी हम इसको, ये आग है, इसमें जितना भी आप आहुति डालोगे, सामग्री डालोगे, ये आग कभी बुझने वाली नहीं, कभी नहीं बुझ सकती, कितना भी आप संतुष्ट कर लो। रावण को सब कुछ प्राप्त था, लंका प्राप्ति सब, फिर भी वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता था, उसकी तृप्ति नहीं, तृप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान कहते हैं भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। तो जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते कि जीवेरा स्वरूप है रा कृष्णेरा नित्य दास, कि मैं तो भगवान का दास हूं और भगवान की सेवा करके ही मैं सुखी हो सकता हूं, और भगवान की सेवा करके सुखी होऊंगा, और इस काम क्रोध और लोभ रूपी ये जो नरक के द्वार हैं इससे मैं बच जाऊंगा, इससे मैं बच जाऊंगा। तो प्रभुपाद की असीम कृपा है हमारे ऊपर, हमारे वैष्णवों की, भक्तों की, जो सिद्धांत, सिद्धांत बलिया ना करे आलस, हमको सिद्धांत समझना है कि हमको भक्ति क्यों करनी है। जब तक हमको संतोष नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, तो जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, शांति चाहिए, रेट रेस नहीं, दौड़ते रहो दौड़ते रहो, कितना दौड़ोगे सब यहीं छूट जाएगा। तो इस प्रकार से इस बात को समझ करके भगवान की वाणी को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतरने का प्रयास करना है, और भगवान की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा में अपने को नियुक्त करना। तो फिर क्या होगा, जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के इंद्रियों की सेवा करते हैं, कृष्ण के लिए हम सारे कार्य करते हैं, तब हम अपने आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। ये भी एक मैजिक है, ये कला है जो संसार के लोग नहीं जानते। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि दासी यद तत् तत् तपस्यासी कौनते हैं तत् कुरुष्मत अर्पणम, जो भी तुम कुछ करते हो, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी अर्पण करते हो, जो भी दान देते हो, वो मुझको अर्पण करते हुए करो। इस प्रकार से तुम सदैव सुख का अनुभव करोगे, हमेशा के लिए आनंद में रहोगे, हमेशा के लिए आनंद में रहना। तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि ये जो काम सुख है ये संसार का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन जब इससे ऊंचा टेस्ट मिल जाता है, जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छूटता है, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी नहीं छोड़ सकता। प्रभुपाद ने विदेशी भक्तों को, है ना, जो काम में लिप्त थे, पूर्ण रूप से लिप्त थे, अगर प्रभुपाद उनको जाकर के कहते हैं आज से नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, तो वो क्या कहते हैं, प्रभुपाद आप यहाँ से जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने उनको क्या किया, एंगेज इन द डिवोशनल सर्विस, उनको गुलाब जामुन खिलाया अपने हाथों से मिला करके, इस्कॉन का बुलेट गुलाब जामुन, आओ बैठो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, आओ आओ बैठो, दो वचन सुनो और फिर हम आपको ये गुलाब जामुन खिलाएंगे। तो सबकी आंखें कहाँ थी, गुलाब जामुन पे, कि ये बूढ़ा व्यक्ति कब डिब्बा खोलेगा और हमको गुलाब जामुन खाने को मिलेगा।
तो वो गुलाब जामुन खाते खाते प्रभुपाद के भक्त बन गए। प्रभुपाद उस कला को जानते थे कैसे इनको नरक के द्वार से निकाला जाए। ये अमेरिका जो है नरक का गेट है, यूरोप नरक का गेट है, रशिया नरक का गेट है। तो प्रभुपाद ने इस अपने कर्म कौशल से इन सबको नरक के गेटों से, नरक द्वारों से मुक्त किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।